हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल तनिष्का फैशन पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप पुरानी शर्ट का किस तरीके से एक प्यारा सा टॉप बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से और कुछ ही मिनटों में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले ये पुरानी शर्ट ली है और ये थोड़ी सी रिफ्लेक्टेड है, इसकी मैं छोटी बाजू बनाऊंगी, इसको भी कट कर दूंगी, पर मैं अभी दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने इसका कॉलर निकाल देना है। जहाँ से कॉलर जुड़ा हुआ है यहीं से बिल्कुल कट करते हुए हम निकाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसका कॉलर निकाल चुकी हूँ। फ्रेंड्स, हम इसमें नेक ब्रॉड रख के बोट नेक शेप देते हुए बनाएंगे। अब उसमें हम दो स्टाइल से बना सकते हैं, एक तो हम इलास्टिक डाल के बना सकते हैं और एक हम उसमें डोरी डाल के बना सकते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हम इसमें डोरी डाल के बनाएंगे। सबसे पहले तो हम इसकी चौड़ाई पूरी पूरी रख लेते हैं, 15 इंच आ रही है। यहाँ से भी निशान लगाया और यहाँ से भी, मतलब जहाँ से बाजू जॉइंट है थोड़ा सा अंदर को लेके हमने गोलाई करनी है। ये हम 5 इंच पे लेके निशान लगा देंगे इस तरीके से शेप देते हुए। ये हमने कट करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं कट कर चुकी हूँ। अब हम इसकी स्लीव्स कटिंग कर देंगे। स्लीव्स में इसकी छोटी ही रख रही हूँ क्योंकि हमारी शर्ट में थोड़ा सा डिफेक्ट है, इसमें प्रिंट वाइट हो रखा है, तो इसको मैं 6 इंच की स्लीव्स रख रही हूँ। ये मैं कटिंग कर दूँगी 6 इंच में, दूसरी साइड से ले लूँगी। ये हम कट कर देंगे। ये कटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स। इसके लिए मैं रेप पट्टी काट लेती हूँ चौड़ी। तो सबसे पहले जो हमारी बाजू का कट बचा हुआ है उसमें से हम रेप पट्टी काट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से ये हम तिरछी पट्टी काट लेंगे, लगभग 3 इंच की रख सकते हैं हम। ये हमने जॉइंट करके गले में लानी है, थोड़ी छोटी पड़ेगी, हम दूसरी स्लीव्स में से भी काट लेते हैं। ये इस तरीके से हमने 3 पट्टी काट ली है। अब इसको हम जॉइंट करेंगे, उसके बाद हम सिलना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, हम अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। इसको हम इस तरीके से पीस को रख लेंगे और इस बटन पट्टी को मैं सबसे पहले बंद कर देती हूँ क्योंकि बाद में मैं इसके ये बटन निकाल दूँगी और इसके बाद में इसमें येल्लो कलर के डॉट बने हुए हैं, उसके कॉम्बिनेशन के येल्लो कलर के बटन लगाऊँगी। तो सबसे पहले हम ये सिल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसका सिल के बंद कर दिया है। अब हम इसका गला बनाएंगे। गले के लिए हमने ये जो पट्टियाँ ली थी रेप कटिंग, इसको पहले हम सबको जॉइन कर लेंगे। एक का मुँह इधर और एक का इधर इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से हम दूसरी ओर जोड़ लेंगे। ये पट्टी हमने जोड़ ली है, अब इसको हम गले पे सिलते हुए ले जाएंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं रखूँगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा इधर रख लिया है मैंने पहले, तो यहाँ से मैं सिलते हुए ले जाऊँगी थोड़ा सा छोड़ के। देखिए फ्रेंड्स, ये पट्टी हमारी इस तरीके से आ गई है। पहले हम इसे निकाल लेंगे, अब इसको हम जॉइंट कर लेंगे। अब इसको सिलते हुए हमने ये पट्टी हमने जोड़ ली है जो मैंने एक्स्ट्रा छोड़ी थी। अब इसको गले पे हम पूरा सिलते हुए राउंड में हमने जोड़ लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये मैंने पट्टी जोड़ ली है। अब इसको हमें अंदर फोल्ड करना है, तो सबसे पहले हम इस पर बैठाने वाली सिलाई लगा देंगे जिससे अच्छे से फोल्ड हो जाए फिनिशिंग से। ये वाला कपड़ा हम ऊपर करते हुए इस तरीके से सिलाई लगाते हुए ले जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरे गले में मैंने पट्टी लगा ली है। अब इसको हमें अंदर को इस तरीके से फोल्ड करते हुए ले जाना है। एक्स्ट्रा हम कटिंग कर देते हैं थोड़ी सी, इस तरीके से रखेंगे और थोड़ा सा फोल्ड करके इस तरीके से हम सिलते हुए ले जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ही मैंने अंदर को फोल्ड करते हुए सिल लिया है। किसी को अगर इलास्टिक डालनी है तो वो थोड़ा सा खुला छोड़ के पहले इलास्टिक डाल के तब थोड़ी सी सिलाई लगा सकते हैं। मैं डोरी डालूंगी, मैं इसमें आगे मेरा काज बना हुआ है इसके अंदर से ही ले जाके डोरी डाल दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने डोरी तैयार कर ली थी। अब इसको मैं सेफ्टी पिन से इसको ले जाते हैं पूरा राउंड में लेते हुए आ जाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने डोरी डाल दी है। इसके हिसाब से हम गला छोटा बड़ा करके पहन सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा डोरी हम कट कर देंगे। इस तरीके से हम डोरी बांध लेंगे। अब इसमें मैं इसमें तिकोने फुंदने बनाती हूँ। ये मैं लूँगी चकोर पीस, इसको डबल करके इसको हम डोरी को इस तरीके से रखेंगे और सिल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से मैं बना चुकी हूँ। अब मैं इसके स्लीव्स पे सिलाई कर लेती हूँ। ऐसे फोल्ड करके सिंपल राउंड में सिलते हुए ले जाऊंगी। ऐसे ही मैं दूसरी स्लीव तैयार कर लूंगी।
अब मैं इसकी कमर पे लगाऊंगी बेल्ट। ये बेल्ट मैंने तैयार कर ली है बना के। अब मैं इसकी लूप भी बनाती हूँ जो लगाऊंगी मैं कमर पे। ये सीधा कपड़ा हमने लेना है यहाँ से, इसको हम इस तरीके से दोनों साइड से फोल्ड करेंगे, फिर इस तरीके से करके इस पर सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड भी सिलाई लगा देंगे। ये हमारी इस तरीके से बन के तैयार हो चुकी है। इसको हम बीच से कट कर देंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने तीन लुप्पी बना के तैयार कर ली है। एक में बैक में लगाऊंगी, दो साइडों में लगाऊंगी। ये मैंने टॉप लेना है। अब इसमें हम 14 इंच पे निशान लगा लेंगे यहाँ से, कंधे से ऊपर से लेके हम 14 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये कमर का निशान आएगा, यहाँ पे हमारी लुप्पी आ जाएगी, बेल्ट आ जाएगी। ऐसे यहाँ पे लगा लेंगे 14 इंच पे निशान। दूसरी साइड तो एक लुप्पी यहाँ दे देंगे, एक लुप्पी यहाँ दे देंगे। अब मैं बैक में निशान लगा लेती हूँ। बैक में हम सेंटर लेंगे। इस तरीके से हम ये सिलाई का निशान फिटिंग का लेके जो है सेंटर रखेंगे बीच। अब यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे, ये लुप्पी एक यहाँ आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, लुप्पी लगाना स्टार्ट करते हैं। ये इस तरीके से हमने थोड़ा सा फोल्ड करना है और ये दो तीन स्लाइस में पक्के कर देनी है। अब हम ऊपर कर देंगे इसी तरीके से फोल्ड थोड़ा सा, और इसमें भी हम दो तीन सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी लगा देंगे और बैक में भी लगा देंगे। अब ये बैक में मैं लगा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं तीनों लुप्पी लगा चुकी हूँ, एक इस साइड और एक बैक में। अब जो मैंने बेल्ट तैयार की थी उसको मैं यहाँ से इसको डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, ये टॉप बनकर रेडी हो गया है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।